हेलो गाइस, सो टुडे वी आर गोना वॉच सम रीप्लेस। आई एम करंटली इन द 8th लीग ऑफ द पाथ ऑफ लेजेंड्स। दीज आर सम ऑफ माई प्रीवियस गेम्स। He played a fire spirit, so I have to play a fire spirit of my own. Let's go. Bullseye. Here, luckily my princess survived, so I pressured him with a goblin battle. He played minions. इस मैचअप के अंदर मेरे को बस फ्लाइंग मशीन से थोड़ी दिक्कत है, बाकी गेम इजी है। मुझे अपनी प्रिंसेस यूज करनी पड़ेगी इसके फायर स्पिरिट के लिए। उसने फिर से लॉग यूज करी, इस वजह से मैंने गॉब्लिन बैरल से प्रेशर करा उसे। अब मिनियन से तो मैंने सिर्फ सोचा फायर स्पिरिट यूज करूँ इनको। नाइट जो है वो टैंक करेगा फर्नेस को और गोबलिन गैंग अब फ्लाइंग मशीन को खत्म करेगी। भाई ये बंदा बार बार भूल रहा है कि मेरे पे गोबलिन बैरल है, लॉग वेस्ट करे जा रहा है बार बार। अब उस पर इतने एलेक्जर नहीं है कि गोबलिन बैरल को डिफेंड करे, और अभी जीरो एलेक्जर हो गए उस पर। इतना खास नहीं खेल रहा है बंदा। देखते हैं अब इसका अगला प्ले। फर्नेस, मुझे अभी तक पता नहीं कि इस पे हॉग राइडर है, तो मैंने इसलिए अपना इन्फर्नो यूज करा। अब इसकी फर्नेस तो वैसे टारगेट हो रही है इन्फर्नो टावर। मैंने रॉकेट करा क्योंकि मेरे को पता था कि मैं अप लेक्चर हूँ इसलिए, और वो रॉकेट के लिए पनिशमेंट नहीं कर सकता मेरे को। और दोबारा उसने अपनी लॉग वेस्ट करी तो मैंने अपना गॉब्लिन बैरल छोड़ा। अब उसने हॉक छोड़ा तो फिर इन्फर्नो आ गया। मेन दिक्कत यहाँ पर फ्लाइंग मशीन की है, क्योंकि फ्लाइंग मशीन को मारने के लिए मेरे पे फायर बॉल नहीं है। अब फर्नेस है इसकी, पर मैं फर्नेस को सीधा नाइट खेल रही हूँ, तो नाइट टैंक करता रहेगा फर्नेस को। मैंने दोबारा रॉकेट करा क्योंकि अब तो टाइम है, कुछ कर नहीं सकता। तो अगले गेम में चलते हैं, ये तो बहुत ही इजी होगा। अगला मैच है अपना, देखते हैं। तो इस मैच के अंदर उसका फर्स्ट प्ले प्रिंसेस निकला, मैंने भी प्रिंसेस छोड़ी थी। मेरे को पहले लगा कि लॉक बेट ही होगा। मैंने अपनी फायर स्प्रिट छोड़ी कि इन केस अगर गॉब्लिन गैंग वगैरह होती है इनके तो फायर स्प्रिट से ख़त्म हो जाए। उसने बहुत ही बेकार हॉक छोड़ा, तो फिर मैं इस वजह से अप एलेक्जर हो गया क्योंकि मिनियंस और उसके हॉक्स को मेरे इन्फर्नो ने काउंटर कर लिया। और मेरे को नाइट इसलिए छोड़ना पड़ा कि थोड़ा और डैमेज ले नहीं सकता था मैं, और नाइट काउंटर पुश भी देता मेरे को। यहाँ इसका मिनी पेका देख के मैंने सोचा गॉब्लिन गैंग छोड़ दूँ, पर गॉब्लिन गैंग थोड़ा लेट आया तो इसलिए प्रिंसेस मर गई मेरी। पर कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रिंसेस को लॉक से ना मारूँ, क्योंकि मेरे को अभी तक लग रहा है कि इसको गॉब्लिन बैरल है, इसलिए लॉक वेट खेल रहा है। क्योंकि ये बंदे
हॉग वॉग कुछ भी डाल देते हैं लॉक वेट के अंदर, तो मेरे को अभी थोड़ा भरोसा नहीं था इस पर। अभी तक मुझे इसकी पूरी डेक पता नहीं है, बाद में जब मेरे को पता चलेगा कि इस पर वो नहीं है अपना गॉब्लिन बैरल नहीं है, तो उसके बाद मैं लॉग यूज करने लगूंगा प्रिंसेस पे, अभी नहीं करता। मेगा नाइट के लिए मैंने सिर्फ नाइट यूज करा था, और गॉब्लिन से थोड़े तो मेरे लिए अच्छी ट्रेड थी, प्रिंसेस और गॉब्लिन दोनों मरे हैं, टावर को भी डैमेज दिया। यहाँ मेरा बहुत ही बकवास गॉब्लिन गैंग छूटा जो मेगा नाइट के स्प्लैश के अंदर आ गया सारा का सारा, तो इसलिए हॉक को इतना शॉट्स मिल गया। पर मेरे को पता है कि मैं जीत जाऊँगा क्योंकि इतना अच्छा नहीं खेल रहा है बंदा इसलिए, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा डैमेज हो रहा है। प्रिंसेस थोड़ी अग्रेसिव थी मेरी तरफ से, पर कोई बात नहीं क्योंकि मेरे को पता है इन्फर्नो टावर है मेरे पे, और फिर इन्फर्नो से मैं इसे वो कर सकता हूँ, अभी मेगा नाइट को ख़त्म कर सकता हूँ। और अब मेरे को पता है कि इस पर गॉब्लिन बैरल नहीं है, तो फिर मैं प्रिंसेस पे इसकी लॉग यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ मैंने इसकी प्रिंसेस को लॉक करा क्योंकि मेरे को पता था कि इसको गॉब्लिन बारह लग गई है, इसने मेगा नाइट दोबारा पीछे छोड़ा था, फिर मैंने गॉब्लिन बारह छोड़ा, लेकिन अच्छा इसने लॉक यूज़ कर लिया, तो मेरे लिए नेगेटिव ट्रेड है क्योंकि 7 एलेक्जर में 3 एलेक्जर घुस जाते बिल्कुल, तो उसने 2 एलेक्जर तो मेरे को कम से कम लॉक की दिए अपने। और यहाँ मेरे को लगा कि यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर मैंने अपना नाइट को दोबारा साइकिल बैक कर लिया बाकी कार्ड्स को यूज़ करके। मेरा इन्फर्नो जिंदा था तो इसलिए मैंने एक और सबसे ऊपर इन्फर्नो लगा दिया, जिस वजह से उसका हॉक भी अगर दूसरी लेन में छोड़े अपोजिट साइड पे छोड़े तो उसका हॉक भी पुश हो सकता है। मेरे को पता था कि वो हॉक छोड़ेगा, इसलिए मैंने प्रोटेक्शन गॉब्लिन गैंग छोड़ा क्योंकि वो बहुत जल्दी मार देंगे हॉक को। मेरे को इसलिए भी पता था कि वो हॉक छोड़ेगा क्योंकि अपना जो मेरा इन्फर्नो टावर था उसकी हेल्थ बहुत कम थी, और यहाँ उसको इतनी 7 एलेक्सिर की लॉक पड़ी है, 7 एलेक्सिर लिए उसने लॉक से, मतलब 5 एलेक्सिर पॉजिटिव मिली उसे। और यहाँ मेरे को पता है सिर्फ एक रॉकेट थी और थोड़ा सा डैमेज और थी, और वो डैमेज मेरे को मिल गया और यहाँ पर गेम जीत गया। ये अगले गेम में आ गए, तो ये बंदा खेल रहा है लॉक वेट, मेरी फायर स्पिरिट कनेक्ट हुई उसने अपनी करनी करी नहीं फायर स्पिरिट, और यहाँ पे उसने वैल्की छोड़ा था, तो ये सोच के कि प्रिंसेस जो है वैल्की को हिट करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे मेरे को थोड़ा डैमेज किया। पर उसकी ये जो गॉब्लिन गैंग थी गॉब्लिन बड़ा था, बड़ा अच्छा था, जिस वजह से जो मेरे को डैमेज मिला थोड़ा बहुत डैमेज उसे वापस भी मिल गया मेरी तरफ से। और यहाँ प्रिंसेस मेरी अच्छी थी, 2 शॉट मेरे, पर मैं डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल रहेगा इस वैल्की को क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है अच्छा जिससे मैं डिफेंड कर सकूँ, और मैं लॉग वेस्ट कर नहीं सकता। और यहाँ उसकी लॉग लेट आई, तो फिर अब मैं अपना गॉब्लिन बैरल मतलब ढंग से फेंक सकता हूँ उस पर, अगर वो भी गॉब्लिन बैरल फेंकेगा मेरे पे तो बहुत अच्छी ट्रेड नहीं होगी क्योंकि मेरे पे लॉग वापस है। और यहाँ मैंने प्रिंसेस इसलिए करी क्योंकि मेरे को पता था कि अगर वो वैल्की भी करता है तो मेरे पास नाइटर्स के वैल्की को काउंटर करने के लिए, और मेरे पास लॉक दोबारा आ गई
और मेरे को पता है कि लॉक गोल्डन बैरल पीछे फेंका है, तो मैंने थोड़ी पीछे की साइड छोड़ दिया। और यहाँ फायर स्प्रेड भी बहुत बुरी थी इसकी, क्योंकि मेरे में प्रिंसेस थी, तो मैं एक प्रिंसेस को एक फायर स्प्रेड से टैंक करके उसके टावर पे भी डैमेज दे रहा था। यहाँ उसकी गॉब्लिन गैंग की प्लेसमेंट और लॉग क्वेश्चनेबल थी, यहाँ थोड़ी सी मिसप्लेसमेंट रही है। मैं फायर स्प्रेड पीछे वाले गॉब्लिन के लिए और गॉब्लिन गैंग आगे वाले गॉब्लिन के लिए यूज़ करना चाहता था, तो थोड़ा मिसप्लेस हो गया, आगे पीछे कर दिया मैंने। यहाँ उसकी प्रिंसेस अच्छी थी, क्योंकि अब मेरे को लॉग यूज़ करनी पड़ेगी शायद प्रिंसेस के लिए। और यहाँ पे उसका एक और मिसप्ले था, उसने गॉब्लिन बैरल अपनी सही तो छोड़ी, लेकिन मेरे पे प्रिंसेस वापस आ गई थी, तो मैं प्रिंसेस से उसकी प्रिंसेस मार सकता था। मैंने अपने प्रिंसेस को बचाने के लिए गॉब्लिन गैंग मिडल में छोड़ी, ताकि उसकी प्रिंसेस जो है डिस्ट्रैक्ट रहे और मेरी वाली जिंदा रहे। इस मैचअप के अंदर मेन चीज़ यही है कि प्रिंसेस को तुम्हें बचाना, ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना, बचाना। यहाँ इन्फर्नो टावर भी अच्छा था उसका, क्योंकि वो मेरी दोनों प्रिंसेस मार देगा, इन्फर्नो टावर और गॉब्लिन गैंग की वजह से। और फायर स्प्रिट मैंने उसे तीन एलेक्जर के बदले एक एलेक्जर के अंदर दी है अपने गॉब्लिन बैरल। और यहाँ उसने भी ये करा, मेरे को पता था कि गॉब्लिन बैरल पीछे आया है, तो फिर मैंने लॉग प्रिंसेस को करके गॉब्लिन बैरल को काउंटर करा सिर्फ एक एलेक्जर में। और यहाँ जैसे ही मैंने प्रिंसेस छोड़ी, टाइमिंग इतनी बुरी थी कि उसने इन फर्दों वहीं छोड़ दिया था। और मेरे को पता था कि गॉब्लिन गैंग जैसे उसने छोड़ी है कि वो प्रिंसेस भी छोड़ेगा, सेम उसने वही गलती करी गॉब्लिन बैरल पीछे छोड़ के। अब ये सिर्फ रॉकेट रेंज में रह गया, तो फिर मैं इस पर रॉकेट करके गेम ख़त्म कर दूँगा रॉकेट लॉग रेंज में। पर जस्ट टू बी सेफ मैंने पहले इन्फर्नो टावर छोड़ा, क्योंकि लास्ट में चोक करना नहीं चाहता मैं, उस पर भी रॉकेट है। हाँ गॉब्लिन गैंग छोड़ी मैंने, क्योंकि मेरे को पता है फुल काउंटर करती है अगर ढंग से सही टाइम पर छोड़े तो। यहाँ रॉकेट लॉग रेंज में था, तो मैंने गेम ख़त्म कर दिया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच, देखते हैं। बस एक लॉस हुआ था मेरा इसमें, वो भी जाइंट स्पार्की के साथ। स्पार्की थोड़ा मुश्किल हो जाता है काउंटर करना लॉक बिट के अंदर, अगर तुम टावर को पहले रॉकेट कर दो तो पीछे से स्पार्की छोड़ दो। सिंगल एलेक्जर का खेल है, सिंगल एलेक्जर के अंदर उसने मेरे को एक टावर डाउन कर दिया था, तो बाद में फिर डिफेंड नहीं हुआ मेरे से। और यहाँ फर्नेस अच्छी थी, ये अच्छा खेलता था प्लेयर, फर्नेस अच्छी करी थी इसने प्लेस। इस फर्नेस प्लेसमेंट से गॉब्लिन बैरल पूरा ख़त्म हो जाता है एक बार में, अगर आगे पीछे करते तो फिर वो रहता है, दो गॉब्लिन जिंदा रह जाते हैं। और यहाँ मेरे को थोड़ा डैमेज लेना पड़ा स्केलेटन बैरल, और इससे फ्लाइंग मशीन भी मेरी प्रिंसेस को मार देगी और एक शॉट टावर पे भी, तो अभी इतना सही लग नहीं रहा कि मेरे लिए अच्छा। पर उसी के साथ मेरा फायर स्पिरिट और गॉब्लिन बैरल भी थोड़ा कनेक्ट हुआ, तो मेरे को थोड़ा डैमेज मिला उससे। अब इसके मेगा नाइट के लिए मैंने इन्फर्नो छोड़ा, बस मैं यही सोच रहा था कि जैप ना हो, क्योंकि अगर जैप होता था तो मैं पूरा टावर डाउन हो जाता, और उसका स्प्लैश भी कर गया मेगा नाइट मेरे टावर पे, तो वो अच्छा नहीं है मेरे लिए भी। उसने यहाँ पे एक बहुत ही बकवास वाली चीज़ छोड़ा, क्योंकि प्रिंसेस को स्प्लैश कर नहीं पा रहा, तो मेरे प्रिंसेस ने यहाँ पे दो या तीन शॉट लिए, जो कि मुझे वापस डैमेज लीड के अंदर फंसा दिया। और गॉब्लिन बैरल भी बहुत बेकार थे, क्योंकि मेरे पे लॉग इन हैंड थी, मेरे को लॉग अवेलेबल थी हाथ में, और मैंने गॉब्लिन बैरल इतना जानबूझ के आगे छोड़ा, क्योंकि मेरे को लगा कि वो पुरानी प्लेसमेंट की तरह फर्नेस पीछे छोड़ेगा, तो मेरे को उससे थोड़ा डैमेज मिलता। पर उसने समझदारी ये करी कि फर्नेस आगे छोड़ी, उसे पता था कि गॉब्लिन बैरल मैंने आगे छोड़ा है, तो ये उसकी तरफ से अच्छा प्ले था काफ़ी। यहाँ मैंने प्रिंसेस को बचाया था, मैंने कोशिश करी थी कि थोड़ा एडजस्ट करके कि टावर भी मारे फ्लाइंग मशीन का और प्रिंसेस भी, पर ऐसा हुआ नहीं, वो थोड़ा मिसप्लेस हुआ मेरी तरफ से। यहाँ प्रिंसेस को एक शॉट मिला और थोड़ा गॉब्लिन बैरल का डैमेज आया।
यहाँ थोड़ा स्केची लग रहा है, पर ये अच्छे से डिफेंड हो जाएगा क्योंकि प्रिंसेस मेरी फील्ड पे थी। प्रिंसेस आपके पास अवेलेबल होनी ही चाहिए एक फील्ड पे। और एक प्रिंसेस आपके पास है अपनी साइड पे, तो फिर आप रॉकेट भी कर सकते हो उसे, क्योंकि तीन एलेक्जर की प्रिंसेस है, तीन एलेक्जर का रॉकेट पड़ेगा आपको। प्रिंसेस बड़ी काम आती है इन मैचअप्स में जहाँ एरिया स्प्लैश वगैरह बड़ी चीज़ें होती है, जैसे स्केलेटन बैरल फर्नेस, तो वहाँ काम आती है। यहाँ इसने बहुत ही बड़ी फर्नेस लगाई है क्योंकि मेरे को फ्री रॉकेट मिला होता है एक तरीके से, मतलब फ्री तो नहीं, दो एलेक्जर का रॉकेट है उसमें, तो वहाँ उसका थोड़ा मिसप्ले था। और बाकी स्केलेटन बैरल भी क्वेश्चनेबल है इसका। इसके बाद रॉकेट लॉक गेम से, तो मैंने रॉकेट और लॉक को गेम खेले, स्टार्टिंग में अच्छा खेलते थे। इस मैच के अंदर भी ये भी अच्छा ही खेल रहा था ऐसे प्लेयर, ये है माइनर पॉइजन शायद, नहीं नहीं माइनर पॉइजन नहीं, माइनर वो फीनिक्स है। ये ठीक ठाक मैचअप है, मतलब ठीक ठाक नहीं है, एक तरीके से 70-30 मैचअप है, 70 उसका 30 मेरा, क्योंकि मोटर डेक्स बहुत मुश्किल होती है लॉग वेट के लिए, क्योंकि प्रिंसेस तुम्हारी जिंदा रह नहीं सकती डिफेंसिव मोटर, इसलिए। और स्केले किंग भी उस पर फुल चार्ज तक, मेरे ख्याल से मोटर करेगा जितने मेरे को लग रहा है। हाँ उसने मोटर यूज़ करी, पर मेरे पे इन्फर्नो टावर था तो इसलिए मेरे को नेगेटिव वन ट्रेड पड़ गया बस। यहाँ मेरे को लॉक की ज़रूरत नहीं थी, पर जस्ट टू बी सेफ मैंने लॉक यूज़ करी। काफ़ी अच्छा उसका डार्ट गॉब्लिन रहा है यहाँ पे, पर ओवरऑल मेरे को थोड़ा डैमेज दे दिया उसने, वो यूज़ करना नहीं चाहता था अपना माइनर वगैरह क्योंकि डाउन एलेक्जर हो जाता काफ़ी। अभी हम ऑलमोस्ट बराबर ही, दो एलेक्जर डाउन हुए पर ऑलमोस्ट इतना चलता है। अगर तुम सिंगल एलेक्जर के अंदर गेम निकाल लेते हो, डबल के अंदर ईजी रहता है क्योंकि रॉकेट साइकिल वगैरह कर सकते हो। सिंगल एलेक्जर सबसे मुश्किल है जो नॉर्मल डेक्स या फिर साइकिल डेक्स और बीट डाउन डेक्स के लिए। अब मेरे को प्रिंसेस जबरदस्ती छोड़नी पड़ी है क्योंकि उसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है, उस प्रिंसेस को स्प्लैश नहीं होता। अब मैंने जानबूझ के राइट साइड में छोड़ दिया प्रिंसेस क्योंकि उसे फायरबॉल वैल्यू देना नहीं चाहता मैं। यहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी लॉक की, तो मैंने लॉक करा। और अब उसका टावर वैसे 813 HP रह गई है, तो काफ़ी इजी है मेरे लिए यहाँ से जीतना इस पॉइंट से। थोड़ा सा डैमेज और चाहिए और बाकी एक प्रॉफिट छोड़ना, पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि स्केलेटन किंग ब्रोकन है, बहुत डैमेज देता है। इसकी एक अच्छी एबिलिटी और फिर पूरा का पूरा टावर चला जाएगा। यहाँ मैंने सोचा कि फायर स्पिरिट और वो छोड़ दूँ गॉब्लिन बैरल, पर जो मेरी फायर स्पिरिट है वो पीछे आ गई क्योंकि फीनिक्स का एक पीछे था, तो वो मैंने सोचा नहीं था, नहीं तो अभी तक गेम हो जाता। यहाँ उसने एक गलती करी, स्केलेटन किंग बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, इस वजह से मैं उसे प्रेशर कर पाया और मेरे को लग रहा था कि थोड़ा डैमेज मिलेगा, पर उसने अच्छा डिफेंड करा। उसे यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए था लेफ्ट साइड, उसे राइट साइड में छोड़ना चाहिए था क्योंकि उसके राइट साइड के अंदर टावर, मैं उसके राइट साइड वाले टावर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, तो उसे भी वहीं छोड़ना चाहिए था।
यहाँ इन्फर्नो टावर थोड़ा टैंक कर रहा है मेरे मोटर को, और बस यहाँ पे आई डोंट सी माई सेल्फ लूजिंग फ्रॉम हियर। मैंने उसके डार्ट गॉब्लिन को प्रेडिक्ट करा अपनी लॉक से और वो वहीं निकला, तो मेरे को बहुत सी वैल्यू मिली उधर। और मैंने यहाँ पे प्रिंसेस भी अपनी बचा के रखी, और यहाँ ये है वो जीत नहीं सकता यहाँ से। गोल्डन नाइट को देख के लग रहा है कि ई जाइंट होगा शायद, तो मेरे को पहले लगा ई जाइंट टेक होगी, बट बाद में जब मैंने प्रिंस को देखा तो फिर मैं समझ गया ई जाइंट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि प्रिंस के साथ ई जाइंट कोई यूज ही नहीं करता भाई, बकवास कॉम्बो है। यहाँ मैंने नाइट छोड़ा ताकि मैं फोर्स कर सकूँ कुछ अलग कर उस पर, और यहाँ उसने विच बहुत ही बुरी छोड़ी क्योंकि मेरे को पता था मेरी प्रिंसेस दोनों की दोनों जिंदा रहेगी, और यहाँ पे डुअल लेन प्रेशर है इस पर। मेरे को दोनों साइड अच्छा डैमेज मिलेगा, और यहाँ उसने जाइंट स्केलेटन छोड़ा ऑलमोस्ट डेड प्रिंसेस पे, तो मेरे को यहाँ पे पहली बार प्लस वन ट्रेड मिली, क्योंकि छः एलेक्जर पे मैंने सिर्फ पाँच का इन्फर्नो लगाया अपना, और अब हम ऑलमोस्ट इक्वल एलेक्जर है जिसमें मेरे को डैमेज दोनों साइड मिल चुका है, एक साइड ज़्यादा मिला एक साइड कम, तो मैं आगे गेम में देख सकता हूँ कि मेरे को कौन से टावर पे जाना है, किसी भी टावर पे स्विच कर सकता हूँ मैं जिस पर मेरा मिला। उसके पास कोई भी अच्छा गॉब्लिन बैरल काउंटर नहीं है, वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है, और ना ही गॉब्लिन गैंग काउंटर है क्योंकि इसका प्रिंस फिर चार्ज कर ही नहीं पाएगा ढंग से अगर मैं स्वॉर्म छोड़ता रहूँगा आसपास। तो यहाँ मैंने रॉकेट करा है, करना नहीं चाहिए एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तीन एलेक्जर मैंने ऑलरेडी पीछे छोड़ रखे हैं, और छः एलेक्जर की मैं रॉकेट कर रहा हूँ पाँच एलेक्जर वाले ट्रूप पे, और मैंने इसलिए करा क्योंकि मेरे को पता था डबल एलेक्जर हिट होने वाली है इसलिए, और उसे पूरा का पूरा गॉब्लिन बैरल खाना पड़ा क्योंकि उसने छः एलेक्जर का जाइंट स्केलेटन सामने छोड़ा, जबकि उसे पता है कि मेरे को गोयन पर लटा रहा, तो अच्छा जाइंट स्केलेटन नहीं था उसका, यहाँ उसका बड़ा पुश आएगा काफ़ी, देखते हैं कैसे डिफेंड होता है। वैसे डिफेंड तो बहुत ईजीली हुआ, शायद मैंने एक भी एच पी अपने टावर की दोनों टावर की कहीं ना किसी को भी नहीं दी। काफ़ी क्लीन गेम था ये, मैंने यार जस्ट भी से प्रॉफिट छोड़ा, और मुझे लास्ट में पता चला उसके क्लोन भी था, मैं कहा भाई जितना गंदा प्लेयर है क्लोन वगैरह ला के तब भी आ गया, क्योंकि मेरे को सिर्फ अब चाहिए एक रॉकेट चाहिए गेम फिनिश करने के अंदर, और उसने लीव ही कर दिया शायद, तो मैंने थोड़ा ऐसे ही मजाक मजाक में लेफ्ट साइड वाला टावर ले लिया जान उसके। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल।